गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय द व्लॉग। तो आज बस एक दिन बचा है न्यू ईयर स्टार्ट होने में एंड मेरी लाइफ की न्यू जर्नी भी स्टार्ट हो रही है। एक्चुअली मैं कर रही हूँ अपना पीजी रूम शिफ्ट, क्योंकि यार मैं इसका खाना खा के ना मैं हो गई थी पागल एंड मुझसे झेला नहीं जा रहा था। साथ ही साथ मेरा जो वर्किंग प्लेस था मेरे प्रेजेंट एरिया से काफ़ी दूर था, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना पास में कहीं शिफ्ट कर लिया जाए एंड ऐसी जगह जहाँ पर मैं खाना बना के एटलीस्ट खा सकूँ। तो वैसी वाली ही मुझे परफेक्ट जगह मिल चुकी है एंड आज मैं वही शिफ्ट करने जा रही हूँ। वैसे मेरे बैग्स की पैकिंग यहाँ पर हो चुकी है डन, कुछ एक्स्ट्रा सामान थे जो कि मुझे भी पैक करना बचा है। तो फटाफट नहाना धोना करती हूँ कंप्लीट, तैयार होती हूँ एंड देन करेंगे शिफ्ट एंड दिखाऊंगी आप लोगों को मेरा न्यू वाला घर। हे गाइस, सो आई एम फुल रेडी, मैंने प्लांट्स भी अपने इसमें पैक कर लिए हैं। तो अब मुझे दो बार में सामान शिफ्ट करना पड़ेगा बिकॉज मेरे पास थोड़े से ज़्यादा बैग्स हैं, 3-4 बैग्स हैं, तो इसीलिए मैं दो बार में ही शिफ्ट करूँगी। तो डाकू बनना हो गया डन, सामान मेरे को पैकिंग करना हो गया डन, अब मिलते हैं न्यू वाले घर में। हे गाइस, सो बैक। तो ये है मेरा न्यू पीजी वाला रूम जहाँ पर अभी मैंने पूरा तहस तहस कर दिया है, पूरा सामान बिखरा हुआ है बिकॉज मैं कर रही हूँ अभी सेट एंड उसके बाद हम बाकी का काम करेंगे जैसे कि खाना वाना बनाना, क्योंकि अब नहीं आने वाला मेज का खाना, हमको खुद ही बनाना पड़ेगा। लुक एट दिस, मेरा सारा सामान पूरा रूम फैला हुआ है। तो फटाफट मैं इन सबको सहारती हूँ, अच्छे से करती हूँ, देन बनाएंगे खाना। हे गाइस, तो सारा काम हो गया डन एंड अब फाइनली बना रही हूँ मैं अपना खाना। वैसे आज बना रही हूँ गर्मा गर्म चावल एंड साथ में आलू गोभी बैंगन की मिक्स वाली सब्जी, जहाँ मैंने सब्जियाँ कट कर ली है। कढ़ाई चढ़ा दिया है गैस पे, तो बनाते हैं आज काफ़ी दिनों बाद खाना। ओके गाइस, तो मेरा चावल बनाना हो गया डन, इसको मैं रूम में ही ले चलती हूँ। थाली भी मैंने यहीं पर ला ली है खाने के लिए एंड दिखाती हूँ अब आप लोग को मेरा सब्जी। तो ये है मेरा सब्जी जो अभी बस थोड़ा सा डबक रहा है एंड ये देखो मैंने एक ही बार बना लिया है कि मेरे को दोनों टाइम हो जाए ये एंड रात को बस रोटी बनानी रहे। थोड़ा सा इसको और गाढ़ा करूँगी, काफ़ी पतला लग रहा है ये मुझे अभी। ओके, तो जब तक मेरी सब्जी बनती है मैं आप लोग को पूरा घर दिखा देती हूँ। ये तो किचन है, आप लोगों ने देख ही लिया है, बैक से दिखाती हूँ। तो ये है किचन, वहाँ पे वॉश बेसिन है, यहाँ पे खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर सब है एंड मैंने वहाँ पर बर्तन सजा के रख दिए है। नीचे टिफिन वो बॉक्सेस में पूरे सामान रख दिए मैंने जो भी खाना वाना बनाने वाले हैं एंड साथ में फिर है ये मेरा रूम, देख सकते हो आप, ये है दिस इज़ माई रूम। अलमारी है नहीं बट ये इस टाइप से था, तो मैंने यहीं पे अपना सारा कपड़ा सामान जितने भी चीज़ें हैं जमा दिए एंड यहाँ नीचे साइड में बाकी की जो राशन वाली चीज़ें होती है वो रख दी है एंड ये है यहाँ पे बाथरूम। सो बस यही है छोटा सा प्यारा सा घर जहाँ पर मुझे खाना बनाने के लिए किचन मिल गया मेनली, क्योंकि मैं यार इतनी ज़्यादा भुक्कड़ हूँ और साथ में मुझे नॉनवेज बहुत पसंद है एंड बनाना भी बहुत पसंद है, तो इसीलिए मेरे को ये स्पेशली किचन चाहिए था ताकि मेरे को जब जो मन होना मैं बना बना के खा सकूँ एंड वैसे ही हो रहा है, बस जो मन होता है वो बनाती हूँ वो खाती हूँ। तो मेरा सब्जी भी बन गया होगा, तो चलते हैं बस गर्मा गर्म चावल और सब्जी खाने। हे गाइस, तो खाना खाने के बाद मैंने आराम आराम भी कर लिया एंड बर्तन वर्तन धो के भी रख दिए ताकि रात को मुझे दोबारा ना धोना पड़े एंड अभी मैं निकल रही हूँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए, तो बस फिर फटाफट चलते हैं। A few moments later. हे गाइस, तो मैं आ गई हूँ पढ़ा के वापस एंड साथ में मुझे ये पनीर भी मिल गया जहाँ पे मैं ट्यूशन पढ़ाने जाती हूँ वहीं से, मतलब उनका खुद का गाय वाय घर में तो उनके यहाँ डेली निकलते ही रहता है। तो यार दिन का तो ऐसे सब्जी था मेरे पास बट मैं सोच रही हूँ क्या पनीर मिल गया तो पनीर की चिल्ली बना लेती हूँ गर्मा गर्म एंड रोटियाँ सेक लेती हूँ। तो फॉर द चिल्ली मैं सोया सॉस भी ला ली थी एंड अब बाकी के सामान भी निकाल लेती हूँ मैं। ये यहाँ से ले लेती हूँ प्याज लहसुन, तो मेरा बेसन का बैटर है रेडी क्योंकि मेरे पास कॉर्नफ्लोर था नहीं एंड साथ में ये है मेरा पनीर जिसे अभी मैं पीस में कट करूँगी एंड इसमें मैरिनेट करके छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। वैसे मेरे ये वाले पीजी का एक फ़ायदा है कि मुझे फ्रिज भी मिला है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जो सब्जी थी दिन की उसको डाल देती हूँ फ्रिज में एंड अभी सिर्फ चिल्ली बना के खाएंगे, इसलिए चिल्ली में ना मैं थोड़ा सा ये गोभी भी ऐड कर रही हूँ, गोभी और पनीर का मिक्स चिल्ली। तो इस गोभी को भी ऐड कर देती हूँ एंड सबको कर लेती हूँ मिक्स एंड इसको एकदम मज़ा आ जाएगा फिर ये तो आज। सो ये मेरा चिल्ली हो गया तैयार, बस इसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेती हूँ, ग्रेवी है इसमें थोड़ा
एंड साथ में रोटी भी बन गई है, तो बस आज हम इंजॉय करेंगे छिली रोटी। सो गाइज, अब टाइम है हमारे इतने टेस्टी वाले खाने को एंजॉय करने का। जैसे खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, एकदम मार्केट वाली, एंड मेरे को पता कि मार्केट से भी अच्छा बना लेती हूँ मैं तो जल्दी निकालती हूँ, एंड अब सबर नहीं हो रहा बस। तो मैं यहाँ कढ़ाई लेके आ गई हूँ, कढ़ाई में खाऊंगी नहीं, निकालूंगी। अगोरन मैंने भगवान जी के लिए पहले ही निकाल दिया था कटोरी में, रोटी भी एंड साथ में ये चिल्ली भी। एंड ये देखो मस्त बड़े बड़े पनीर के पीसेस मैंने काट लिए हैं, ये लंबी लंबी मिर्चियाँ डाली है। ओके, तो पहले इतना खाते हैं, इसको इसमें रहने देते, गर्म होते रहेगा। एंड यूट्यूब पे लगा लेती हूँ कुछ अच्छा सा, एंड देखते देखते खाती हूँ, इंजॉय करती हूँ। फाइनली लास्ट काम बच गया है बर्तन धोने का, तो फटाफट धो लेती हूँ, प्लेटफॉर्म खाली कर लेती हूँ, देन जाऊँगी सोने। Hey guys, तो सारा काम खत्म करके रूम लॉक वॉक करके मैं आ गई हूँ सोने के लिए। तो बस मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि दिन भर इतना सारा काम हो गया कि मैं लिटरली थक गई हूँ। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही, तब तक लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट। Hey guys, तो मेरे किचन का हालत देख सकते हो भैया, इतनी तबाही मचाई है, दिखाती हूँ। इतना सारा धनिया पत्ती था भैया, पूरा धनिया पत्ती खा गए यार, कुछ नहीं छोड़े, सब टमाटर में से जूठा कर करके रख दिए। देखो ये देखो, इधर भी ये इधर कोने में एक टमाटर आधा खा के छोड़ दिए, खाए तो खाए, इस पर मैंने खाना रखा था वो भी खा गए। उसके बाद 10 जगह हगे भी है, इधर हग दिए, इधर भी हग दिए, इधर भी हग दिए, इधर भी हग दिए। हगने के बाद फिर से यहाँ आके मटर में मुँह मार लिए लोग।